हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा KTM Duke 200 में आपको नंबर ऑफ टू कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, Duke 200 में दो कलर ऑप्शन आते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दोनों ही कलर ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कलर ऑप्शन भी दिखाऊंगा और Duke 200 के बारे में भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप Duke 200 का दोनों ही कलर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको दोनों कलर ऑप्शन मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं Duke 200 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके, आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कलर ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बाइक में जो है सिल्वर कलर जो ऑप्शन है वो आपको KTM Duke 200 में देखने को मिलता है। दिस इज़ न्यू कलर ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, ये नया कलर ऑप्शन है जो कंपनी ने इस बाइक में दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा कलर ऑप्शन दिया था, मुझे अच्छा भी लगा। और आपको बताना चाहूँगा ये E20 यानी कि लेटेस्ट मॉडल है। ये वाला जो Duke 200 का कलर ऑप्शन है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। ये कलर ऑप्शन ज़्यादा बिकता है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। बात करें दूसरे कलर ऑप्शन के बारे में तो ये दोस्तों अपना नया वाला ऑरेंज कलर ऑप्शन, जो कि नया नहीं है, ये पुराना कलर है, ये पहले से आ रहा है। जब KTM Duke 200 इस नई मॉडल में आई थी तब से ये कलर ऑप्शन कंपनी इसमें दे रही है, इसे अभी तक कंपनी ने डिसकंटिन्यू नहीं किया है। ये कलर ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कलर ऑप्शन को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है जिसमें जो अलाउविल है वो आपको ऑरेंज मिलता है। चलिए अब आ जाते हैं इस बाइक के रिव्यू में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। दोस्तों Duke 200 जो है ये आप लोगों को एक्सरूम प्राइस अराउंड लगभग 1,93,000 1,93,000 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस मिलती है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आईटी इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,27,000 2,27,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आते हैं इसके रिव्यू में। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट लाइट देख पा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले DRL लाइट देखने को मिलती है मेन लाइट में। आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एक महीने के अंदर इस बाइक में आपको LED लाइट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, LED लाइट 110% आपको इस बाइक में मिलेगी, सेम वही लाइट मिलेगी जो कि आपको Duke 250 में मिलती है। बाकी इसमें अभी आपको मेन लाइट में जो है हेलोजन लाइट जो है आपको इस बाइक में देखने को मिलती है, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी अच्छी जो लाइट है यहाँ पे कंपनी ने इस बाइक में यूज़ की हुई है, अदर बाइक की कंपेयर में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट यहाँ पे मिलती है। बात कर लेते हैं टर्न सिग्नल लैंप के बारे में, तो वो आपको इसमें LED देखने को मिलेगी। सस्पेंशन में आते हैं। फ्रंट में आपको बाइक में 43mm की UHD यानी कि अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो आपको बाइक में मिलते हैं, जो कि WP के सस्पेंशन है। काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन कंपनी ने दिए हैं। KTM की कोई भी बाइक आप लेंगे 125 से लेकर 390 सभी में आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बाइक में मिलेगी, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के फ्रंट टायर के बारे में, तो 110/70 की टायर जो टायर साइज़ है वो आपको फ्रंट में मिलती है। बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में Duke 200 में आप लोगों को डुअल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है। ये ABS है जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लेट साइज फ्रंट में आपको बाइक में 300mm की देखने को मिलेगी। अब आते हैं इंजन में। इंजन में दोस्तों Duke 200 में आपको 199.5 सीसी का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOSC 4 वाल्व जो इंजन है वो आपको Duke 200 में देखने को मिल जाता है। DOSC यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। इस वजह से दोस्तों बाइक की जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ना उसमें भी बाइक काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ चलती है, इस रीज़न से कि DOSC इंजन आता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, तो फिर दोस्तों बताना चाहूँगा इस बाइक में आपको मैक्सिमम पावर में अराउंड 25 PS के आसपास की पावर मिलती है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 19.2 के आसपास का जो इंटरमिटेंट टॉर्क है वो आपको Duke 200 में देखने को मिलता है। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा इंडियन मार्केट में Duke 200 अपने सेगमेंट की एक वन ऑफ द बेस्ट एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है। जी हाँ, इतनी पावर जो आपको किसी और बाइक में नहीं मिलती जितनी पावर आपको Duke 200 में देखने को मिलती है, तो ये चीज़ माननी पड़ेगी। बाइक की जो पावर है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, ठीक है। 6 गियर के साथ में आती है। बस एक माइनस पॉइंट है कि बाइक में स्लीपर क्लच नहीं है। कंपनी को इसमें स्लीपर क्लच देना था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। भाई MT15 में आता है, R15 में आता है, अपनी Duke 200 में नहीं आता, तो एक थोड़ा सा जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मुझे इस बाइक में लगता है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में ये बाइक आपको अराउंड 35-35 के आसपास का जो माइलेज है इजिली निकाल कर दे देती है। पर अच्छा माइलेज होता है 35। 0-100 इस बाइक को लगभग 9-10 सेकंड के आसपास के लगते हैं एंड इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आपको अराउंड 135-140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको Duke 200 में देखने को
मिल जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर की तरफ। रियर में आपको बाइक में देख पा रहे, बाइक में आपको WP के जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आपको बाइक में देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे जो सस्पेंशन है कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, WP के मोनोशॉक सस्पेंशन दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको रियर में बाइक में जो है अंडर बेली एग्जॉस्ट जो है इस बाइक में देखने को मिलता है। जी दोस्तों, अंडर बेली एग्जॉस्ट के साथ में ये बाइक आती है। बाकी रियर में दोस्तों आप लोगों को बाइक में टेल लाइट जो है LED देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी है। एंड रियर में आप लोगों को बाइक में जो टर्न सिंगल लैप है वो भी LED देखने को मिलेंगे। रियर में 230 mm की डिस्क प्लेट है। रियर में आपको बाइक में 150/60 के टायर साइज इस बाइक में मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस बाइक की सीट देख लीजिए, बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.4 13.5 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिला सकते हैं। और देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बाइक में E20 की ब्रांडिंग भी जो है इस बाइक में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप की मिलेगी जिसमें KTM की ब्रांडिंग है। स्पीडोमीटर में दोस्तों बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। देख पा रहे हैं बाइक में फुली डिजिटल मीटर है, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर है लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू MT इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, दो स्विच दिए जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को और कंट्रोल करके देख सकते हैं कि बाइक में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिले। एवरेज स्पीड, टेकोमीटर, सारे फीचर आपको बाइक में मिलेंगे। फीचर में दिस इज पास सेस, लो बीम हाई बीम, टर्नर सिंगल लैप, हॉर्न, राइट हैंड साइड में आपको बाइक में इंजन किल्सी है, सेल्फ का जो स्विच है वो आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2002 mm की है। बाइक की जो ओवरऑल विथ है वो 873 mm की है। ओवरऑल जो हाइट है वो 1274 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm के आसपास की है। ठीक है, मतलब हाँ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और व्हील बेस है इस बाइक की लगभग 1357 mm की। कर्व वेट है 150 kg का। और अपनी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मैंने आपको बताया था 13.5 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। बाकी दोस्तों ड्यूक 200 आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़रों में तो एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, काफ़ी अच्छी जो है बाइक आपको ड्यूक 200 देखने को मिलती है। दूसरी बाइक से कंपेयर करेंगे तो ड्यूक 200 का कोई तोड़ नहीं है इस मामले में, ये बहुत अच्छी बाइक है। बाकी दोस्तों आपको कौन सा कलर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से जो सिल्वर कलर ऑप्शन है नया वाला वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अलग अलग पसंद होती है। आप लोगों को कहाँ मतलब आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है आप कमेंट करके अपने हिसाब से बता सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बनाए तो एक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।